गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक सुगम संस्कृत। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9। ठीक है, तो चलिए अपने अपने बुक निकालिए और चैप्टर 9 पढ़ा जाए। 8 चैप्टर का आपका हो गया और 9 चैप्टर हम शुरू करते हैं पढ़ना। उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। नवम पाठ, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। एक वचन अहम। एक वचन में अहम का मीन्स होता है मैं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पठामी मीन्स पढ़ता हूँ। फिर द्विवचन आवाम, हम दोनों। द्विवचन में आवाम का मीन्स होता है हम दोनों। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर है बहुवचन वयम। वयम मीन्स हम सब। वयम पठावा, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठावा, हम सब पढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम हम दोनों, और बहुवचन में वयम हम सब। ठीक है, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए धातुओं के रूप, गच्छामि, गच्छाउ, गच्छामा। जाता, जेको जाता है, जाता है, दो जाते हैं, सब जाते हैं। लिखामि, लिखाउ, लिखामा, लिखता है, दो लिखते हैं, सब लिखते हैं। क्रीडसि, क्रीडाव, क्रीडामा, खेलता है, दो खेलते हैं, सब खेलते हैं। अब देखिए धातुओं में प्राय आम, आमी आव, आम लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे यथा मीन्स पठ, धन, आमी, पठामी। ठीक है, फिर है पठ, धन, आव, पठाव। पठ, धन, आम, पठामह। लिख, धन, आमी, लिखामी। लिख, धन, आव, लिखाव। लिख, धन, आम, लिखामह। चल, धन, आमा, चलाम। गच्छ, धन, आम, गच्छामि। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया क्या है, कैसे है? ठीक है, फिर से एक बार पढ़ाते रहें। जैसे देखिए ये आपका 8 चैप्टर था ना, इसमें हमने मध्यम पुरुष बताया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम मीन्स तुम, द्विवचन में युवाम मीन्स तुम दोनों, और बहुवचन में युवम मीन्स तुम सब। तो त्वम युवम, युवाम, युवम मतलब तुम, तुम दोनों, तुम सब। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो। यम पठत मीन्स तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, ऐसे ही ये आपका था, अष्टम पाठ था, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन। ठीक है, अब मध्यम पुरुष का स्त्रीलिंग में भी वही रूप होता है किंतु हिंदी में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये मध्यम के बाद उत्तम पुरुष आ गया। मध्यम पुरुष आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आज हम उत्तम पुरुष आपको पढ़ा रहे हैं। तो उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अहम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। अब देखिए अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अहम का मीन्स होता है मैं अकेले के लिए, आवाम मीन्स दोनों के लिए। ठीक है, हम दोनों, और वयम मीन्स होता है हम सब। ठीक है, तो आवाम, अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अहम मीन्स, अहम मीन्स मैं, आवाम। फिर देखिए अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ठीक है, अब देखिए अन्य धातुओं के रूप, गच्छामि मीन्स जाना, गच्छा मीन्स दो जाते हैं, गच्छामा मीन्स सब जाते हैं। लिखामि, लिखामि मीन्स लिखना, लिखा, लिखता, लिखाव मीन्स दो लिखते हैं, लिखामा मीन्स का अर्थ होता है सब लिखते हैं। क्रीडामि मीन्स खेलता है, क्रीड़ा मीन्स दो खेलते हैं, और क्रीडामा मीन्स सब खेलते हैं। जैसे गच्छामि एक वचन, गच्छाव दो वचन, और गच्छामा बहुवचन। फिर है लिखामि, लिखामि एक वचन, लिखाव दो वचन, और लिखामा बहुवचन।
ठीक है। ऐसे ही क्रीडामि, क्रीडामि एक वचन, क्रीडाव दो वचन, क्रीडाम बहुवचन। कैसे? अहम गच्छामि, अब मान लीजिए कि हम अगर ऐसे लिख, जैसे अहम पठामि, अब यहाँ यहाँ इसकी जगह करो जगह अहम गच्छामि तो मैं जाता हूँ। अच्छा, आवाम पठावा है, पठाव की जगह लिख देंगे आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। अवयम पठामा, गच्छामा लिख देंगे तो हो जाएगा हम सब जाते हैं। ऐसा ही देखिए, अहम लिखामि अगर हो जाएगा, अहम लिख देंगे उसका आगे लिखामि लिख देंगे यहाँ की जगह तो हो जाएगा मैं लिखता हूँ, ठीक है। फिर आवाम लिखावा, हम दोनों लिखते हैं। फिर हो जाएगा वयम, वयम लिखामा, हम सब लिखते हैं। फिर क्रीडा, क्रीडामि है तो अहम, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। आया समझ में? और आवाम क्रीडाव, हम दोनों खेलते हैं, ठीक है। फिर अवयम क्रीडामा, हम सब खेलते हैं। आ गया समझ में कैसे है? देखिए हम आपको लिखकर समझा दे रहे हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम आपको लिखकर समझा दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लिख में, लिखकर समझ में आ जाए तो देखिए कैसे। अगर आप लोग क्लास स्कूल कर रहे होते, मतलब आपका क्लास चल रहा होता तो हम बोर्ड पे आपको समझा देते। तो चलिए अब हम आपको ऐसे ही लिखकर समझा दे रहे हैं, ओके। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है अहम, बुक में लिखा है ना अहम पठामि, ऐसे लिखा हुआ है ना पठामि, तो इसका हिंदी हो गया मैं पढ़ता हूँ, यही इसका हिंदी हो गया, हो गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ गच्छामि लिखा है ना, अब देखिए यहाँ हो जाए जैसे अहम गच्छामि, तो इसका हो जाएगा एक ही वचन है ये भी, मैं खेलता, अरे सॉरी, मैं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ हो जाएगा, मैं जाता हूँ, ये एक वचन है, ठीक है। फिर देखिए क्रीडामा है तो हो जाएगा अहम क्रीडामि, तो ये भी एक ही वचन है, मैं खेलता हूँ। आ गया समझ में? ऐसे अब ये तो एक वचन हो गया आपका, एक वचन, ये एक वचन हो गया। अब देखिए द्विवचन में, द्विवचन, द्विवचन में क्या, यहाँ क्या लिखा है देखिए बुक में, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, यही लिखा है ना। तो अब इसमें अगर हम ये जोड़ देंगे, आवाम क्या है, आवाम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, आवाम गच्छावा, गच्छावा, ठीक है ना। तो हो जाएगा हम दोनों जाते हैं, इसका हिंदी हो गया, ये द्विवचन में हो गया, ठीक है। ये दो वचन में हो गया आपका। अब देखिए फिर है यहाँ लिखाव, ठीक है ना, तो हो जाएगा आवाम लिखा, लिखाव, हम दोनों लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हम दोनों लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है फिर उसके बाद देखिए लिखामा है तो हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए ये आपका हम दोनों हो गया, गच्छाव गच्छामा, फिर हम क्या लिखेंगे, बहुवचन, बहुवचन, ठीक। बहुवचन में देखिए क्या है, इसमें
अहम वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं, तो वयम के साथ यहाँ क्या जोड़ देंगे, यहाँ क्या लिखा है देखिए बुक में, गच्छामः, तो जाएगा वयम गच्छामः, यही है हम सब जाते हैं, हो गया, लिखामा है, देखिए लिखामा है ना, तो हो जाएगा वयम लिखामा, हम सब लिखते हैं, आ गया समझ में, कैसे है ये रूप कैसे चल रहा है, ये पूरा आपको समझ में आ गया ना कैसे चल रहा है, ये हमने आपको यहाँ लिख कर समझा दिया ना, आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया, देखिए ये आपका नवम पाठ की एक्सरसाइज है, उत्तम पुरुष, एक वचन बहुवचन द्विवचन बहुवचन, हंस का अर्थ होता है हंसना, पच का पकाना और क्रीड का खेलना। फिर देखिए निम्न धातु में आम आओ लगाकर दो दो क्रियाएं लिखी हैं और पच लिख गच्छ, ठीक है ना, पठ धनामी पठामी, पठ धन आओ पठाव, लिख धन आमी लिखामी, लिख धन आओ लिखाव, गच्छ धन आमी गच्छामी और गच्छ धन आओ गच्छाव, ठीक है। तो ये हो गया आपका देखिए दवम पाठ का। अब देखिए आगे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, अहम ददामि मैं देता हूँ, त्वम गृहम कक्षसि तुम घर जाते हो, आवाम भोजनम कुर्व हम दोनों भोजन करते हैं, वयम संस्कृत लिखामा हम सब संस्कृत लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में संस्कृत हिंदी का संस्कृत में अनुवाद हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिए। आप देखिए बुक में वाक्य प्रयोग करना था, अहम अहम पठामी, आवाम आवाम पठाओ, वयम वयम पठामा, ठीक है, दो हमने करवा दिए, दो अपने मन से कीजिएगा, ठीक है, ये हमने करवा दिया, ये हो गया आपका। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए, वयम पठाओ वयम पठामा बहुवचन है, आवाम पठामा तो आवाम पठाओ हो जाएगा, अहम ददासी अहम ददामी हो जाएगा, एक वचन है, त्वम पठामी त्वम पठसी हो जाएगा, यूयम खेल खेला मा तो यम खेलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, ये सा के साथ क्या लगेगा, त्वम के साथ आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, त्वम के साथ त्वम पठामी भी लिख सकते हो या त्वम पठसी लिख दीजिएगा तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम पढ़ते हो, सा गच्छ तुम जाती हो, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग का है। फिर देखिए ये आपका होमवर्क है, निम्न स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक हम बता दिए हैं अहम पठामी, अहम के साथ पठामी लगेगा, ऐसे किसके साथ क्या आपको लगेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अहम के साथ पठामी हो जाएगा, सा का क्या लग, हसामी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पटाहम हसामी अहम ही लगेगा, ऐसे करके आप अपना दिमाग लगाइएगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सब हो गया आपका कंप्लीट, देख लीजिए। बता दिए हैं, फिर से देख लीजिए, अहम के अहम एक वचन है तो यहाँ पठामी हो जाएगा, फिर देखिए हसामी है तो यहाँ भी एक ही वचन है हसामी, तो यहाँ भी अहम ही होगा, अहम हसामी, फिर पठत है तो यूयम यहाँ क्या हो जाएगा, पठत है, तो देख लीजिएगा अपने जब दिमाग लगाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खूब अच्छे से मन लगाकर संस्कृत पढ़िए, याद कीजिए, लिखिए व कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।